हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। तो जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम हमेशा बोलते हैं कि एजेंट्स को इंटेलिजेंट बनाना है, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना है, तो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वन ऑफ द मेजर की फैक्टर है क्या? नॉलेज। तो ह्यूमन बींग नॉलेज कैसे इकट्ठी करता है? नॉलेज है क्या? फैक्ट्स हैं, स्किल्स हैं जो हम अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठा करते हैं। और इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज। और जब राइट टाइम आता है हम उसको यूज करते हैं, किसको? नॉलेज को। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, मतलब विचार करना, सोचना। जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम डिस्कस करें, हमें पता है कि अगर 20 मंजिल की बिल्डिंग से आप छलांग लगाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये है एक नॉलेज। अब यहां पे क्या करोगे आप? रीजनिंग करोगे, विचार करोगे और एक वैलिड कंक्लूजन पे जाओगे कि क्या लगानी चाहिए छलांग या नहीं। अगर आप लगा जाते हो तो यानी आपने इंटेलिजेंस शो नहीं की, और अगर आप नहीं लगाते तो आपने इंटेलिजेंस शो की है। तो ये तीन मेन फैक्टर है, नॉलेज, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। और ये तीनों हम डालना चाहते हैं किसके अंदर? मशीन के अंदर, क्योंकि मशीन खुद तो एजुकेशन कर नहीं रही, खुद तो एक्सपीरियंस कर नहीं रही। जो हम उसको देंगे उसी के बेसिस पे वो क्या लेगी? डिसीजन लेगी। तो यहां पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मेन फैक्टर है। क्यों? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हमने उसको नॉलेज स्टोर करनी है ताकि जब राइट टाइम आए वो नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सके और एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। अगर हम गलत नॉलेज रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत इंटरप्रेट करेगा, और गलत इंटरप्रेट करेगा तो रिजल्ट भी हमारा गलत ही आएगा। तो इसीलिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमारा मेन फैक्टर है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो यहां पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप रूट लेवल पर काम करोगे तो मतलब इसका सिंपल सा फंडा अगर हम देखें, जो प्रोग्राम आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग तो आउटपुट आएगा। अगर आपने प्रोग्राम अच्छे से लिखा, रिप्रेजेंट अच्छे से किया, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। इसी पॉइंट को हम यहां पे मेन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगर आप नहीं नॉलेज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा? सिंटेक्स एरर आएगा या फिर सिमेंटिक एरर आएगा। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या है? ग्रामेटिकल एरर। और सिमेंटिक का मतलब क्या है? मीनिंग। जो आप लाइन लिख रहे हो, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, लेट्स से आई इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। अब आई इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, इट इज अ ग्रामेटिकल एरर, आई एम आना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास क्या है? सिंटेक्स एरर है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन गलत करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो इंफरेंस है, जो मीनिंग आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मशीन एक्ट करेगी। तो वो मशीन ऑब्वियसली क्या एक्ट करेगी? गलत ही एक्ट करेगी। सिमेंटिक का मतलब क्या है यहां पे? मीनिंग। जैसे मैंने मैच खाते खाते रोटी देखी। अब मैंने मैच खाते खाते रोटी देखी, ये यहां पे इसका पूरा मीनिंग ही गलत है। मैंने रोटी खाते खाते मैच देखा, दैट शुड बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अगर आप यहां पे सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर कम से कम करोगे, या आप कह सकते हो 0% लाने की कोशिश करोगे, एम्बिग्युटी को 0% करोगे, तो ऑब्वियसली आपका रिप्रेजेंटेशन अगर सही होगा तो अंडरस्टैंडिंग भी सही होगी। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन बींग तो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो विचारता है, कहीं ना कहीं वो उसके पास एक सोचने की पावर है, तो उसके बेसिस पे वहां पे थोड़ी बहुत एम्बिग्युटी चलती है। हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग से कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट निकाल लेते हैं। लेकिन मशीन में तो क्या है, आप जो डालोगे उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज मशीन को कैसे देते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि पहला है लॉजिक, बहुत ही बेसिक सा फंडा है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है पहले के टाइम पे, दैट इज अ लॉजिक। लॉजिक मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक हो सकता है या फिर प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक मतलब ट्रू और फॉल्स की टर्म में हम यहां पे यूज करते हैं, और प्रेडिकेट लॉजिक में जहां पे हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक्स हम यहां पे यूज करते हैं। रूल्स, रूल्स मतलब यहां पे इफ देन की कंडीशन देते हैं हम, और उसके बेसिस पे मशीन जो है वो क्या करती है? एक्ट करती है। देन हमारे पास आता है सिमेंटिक नेट। सिमेंटिक नेट का सिंपल सा एग्जांपल यहां पे रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो वो क्या है? गूगल ग्राफ। गूगल वालों ने पूरा का पूरा अपना जो नॉलेज है, जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं गूगल असिस्टेंट, उसके बैक एंड पे क्या काम करता है? सिमेंटिक नेट। सिमेंटिक का मतलब यहां पे क्या है? मीनिंग।
और यहां पे नेट का मतलब क्या है, ग्राफ, मतलब हमने एक मीनिंगफुल ग्राफ बनाना है जो एक पूरा बड़ा ग्राफ होगा जिसके अंदर रिलेशनशिप्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से बात करें तो लेट्स से एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, काऊ। अब काऊ का सोचते ही आपके माइंड में क्या आता है, काऊ हैज फोर लेग्स। अब एलिफेंट हैज ऑल्सो फोर लेग्स और उसके पास एक पूंछ है, तो इसके साथ आप ये भी सोच सकते हो कि टाइगर के पास भी एक पूंछ है। तो यहां पे क्या बना रहे हो, एक पूरा एक ग्राफ बनाते जा रहे हो, नॉलेज को अपनी बढ़ाते जा रहे हो और जब राइट टाइम आएगा आप उसमें से इन्फ्रेंस करके एक वैलिड पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे। इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके पूरी डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पे एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, इसका एक्चुअल में मेन पॉइंट क्या है कि क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं या क्यों हम इसके ऊपर फोकस डाल रहे हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिमेंटिक नेट के बाद आता है हमारे पास फ्रेम्स। फ्रेम्स में हम यूज करते हैं स्लॉट्स एंड फिलर्स। ये अगर आप डीबीएमएस में आपने ईयर डायग्राम देखा हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपने डेटाबेस के बारे में सुना हो, यहां पे हम स्लॉट्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स, और फिलर्स का मतलब यहां पे क्या है, फिलर का मतलब है एट्रीब्यूट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जैसे काओ, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। हम इस तरीके से, ये भी एक तरह से सिमेंटिक नेट ही है लेकिन और प्रिसाइज वे से हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। फ्रेम को आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे रेलवे की टिकट की तरह, मतलब एक फिक्स फॉर्मेट है, एक फिक्स डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा डालोगे, एक नॉलेज बेस बनाओगे, फ्यूचर में उस फ्रेम को यूज करके मशीन कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लेगी। और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब फ्रेम का भी आगे एडवांस। फ्रेम तो है थोड़ा वीक वे से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है और स्ट्रॉन्ग वे से, मूवीज की तरह जैसे मूवी हम बनाते हैं जिसमें एक्शंस हैं, गाने हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा जो है स्क्रिप्ट बनती है। वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हम क्या दे देंगे, एजेंट को दे देंगे, मशीन को दे देंगे और उसके बेसिस पे वो क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी और डिसीजन लेंगी। तो यहां पे हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि हमने नॉलेज बेस जो है वो कैसे बनाना है और मशीन को स्टोर कैसे करवानी है पूरी की पूरी नॉलेज, ताकि फ्यूचर में वो कैसे इसको यूज करती है, ये सारा का सारा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम एक एक करके जो है वो डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, इश्यूज आते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का क्या मेन रोल है, कैसे हम नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। थैंक यू।